दोस्तों साल 2019 में जब चंद्रयान 2 चंद्रमा पर कदम रखने वाला था तो ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होने वाली थी, और वो इसीलिए क्योंकि चंद्रयान 2 हमारे चांद के दूसरे छोर पर कदम रखने वाला था। ये चंद्रमा का वही हिस्सा है जिसे वैज्ञानिक फार साइड ऑफ द मून या डार्क फेस ऑफ द मून के नाम से भी जानते हैं, और ये चंद्रमा का वो हिस्सा है जो धरती की ओर कभी भी फेस नहीं करता, जिसका मतलब कि हम लोग कभी भी अपनी सामान्य आंखों से यहाँ धरती से चंद्रमा के उस दूसरे छोर को नहीं देख सकते। 20 जुलाई साल 1969 में जब से इंसानों ने चंद्रमा पर कदम रखा है तब से सबके अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट उसके डार्क फेस को लेकर भी हो रही है, और सब हमेशा से ये सोचा करते थे कि आखिर चांद के उस दूसरे छोर में ऐसा क्या है कि उसको कभी भी कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया। और उसी को एक्सप्लोर करने की उम्मीद पूरी दुनिया भारत के गौरव इसरो द्वारा निर्मित चंद्रयान 2 से लगाकर बैठी थी। 7 सितंबर सन 2019 जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरने से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर था कि तभी अचानक से विक्रम लैंडर का कनेक्शन इसरो से पूरी तरह टूट गया। उस वक्त पूरे इसरो में इतना भयानक सन्नाटा छा गया जिसकी कभी भी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, और अंत में वो डरा देने वाली संभावना हकीकत में बदल गई, यानी वो विक्रम लैंडर जिससे पूरी दुनिया उम्मीद लगाकर बैठे थे उसका कनेक्शन हर तरह से टूट चुका था। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के इतिहास में चंद्रयान 2 एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। लेकिन कौन सी चीज सफल हुई और कौन सी चीज फेलियर, ये सभी तो किस्मत पर निर्भर करता है। लेकिन इसके बावजूद सवाल ये है कि जब लोगों के पास आज भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है तो हम लोग कभी भी चंद्रमा के उस दूसरे छोर पर क्यों नहीं जा पाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चांद के इस दूसरे छोर में ऐसा क्या था कि चंद्रयान 2 उससे बस कुछ ही किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक से बंद पड़ गया। आखिर क्या है चांद के दूसरे हिस्से की सच्चाई जिसने पूरी इंसानियत को खौफ के साए में दबा कर रखा है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं और चांद के डार्क फेस से रिलेटेड आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक, और चलिए जानते हैं चांद के सबसे खौफनाक रहस्य के बारे में। दोस्तों ये सब कुछ शुरू हुआ था अपोलो 10 मिशन से, जिसे 18 मई से 26 मई सन 1969 तक एक्टिव रखा गया था। अपोलो 10 का मकसद यह था कि यह अपोलो 11 से पहले मिशन के लिए सारी सुरक्षा के इंतजाम को अच्छे से परख ले, जिस वजह से अपोलो 10 और अपोलो 11 में डिफरेंस सिर्फ इतना ही था कि अपोलो 10 ऑर्बिट में ही घूमता रह गया जबकि अपोलो 11 चंद्रमा की सतह पर उतारा गया था। लेकिन अपोलो 10 जब चांद के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा था तब अचानक से 1 घंटे के लिए उसके क्रू का संपर्क धरती के साथ टूट गया था। आखिर ये संपर्क किस लिए टूटा इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, पर नासा के कुछ साइंटिस्ट ये बताते हैं कि उस 1 घंटे के बीच उन्हें कुछ रहस्यमयी रेडियो सिग्नल्स अपोलो 10 से सुनने को मिल रहे थे। कुछ ऐसे ही रहस्यमयी सिग्नल स्पेसक्राफ्ट में बैठी अपोलो 10 की क्रू भी सुन पा रही थी, पर उन्होंने धरती पर उतरने के तुरंत बाद इस बात का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अंतरिक्ष की कंडीशन में जाने की वजह से कोई उनकी बातों को बेवकूफी समझकर उन्हें पागल ना करार दे दे, जिस कारण उन्होंने अपनी यात्रा से आने के तुरंत बाद किसी से भी इस रहस्यमयी सिग्नल का जिक्र नहीं किया। बाद में कुछ सालों के बाद उन्होंने अपनी आप बीती अपने कुछ खास लोगों को बताई, और फिर जब 40 से 50 साल बाद अपोलो 10 की फाइल्स को रीओपन किया गया और उनको डीक्लासिफाई किया गया, तब जाकर दुनिया के सामने इस अजीबोगरीब घटना का खुलासा हुआ। अब सब ये सोच रहे थे कि आखिर उस 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से अपोलो 10 का कॉन्टैक्ट नासा से टूट गया था और 1 घंटे बाद अचानक से वापस जुड़ भी गया था। और सबसे बड़ी बात ये कि उस 1 घंटे के अंतराल में उन्हें जो रहस्यमय रेडियो सिग्नल सुनाई दे रहे थे वो आखिर किस चीज़ के थे। जब डीक्लासिफिकेशन टीम इससे असंतुष्ट रही तो उन्होंने अपनी तहकीकात को अगले स्तर पर बढ़ाने का निर्णय लिया, और इस घटना की गहराई तक जाने पर उन्हें पता चला कि उस 1 घंटे के दौरान वो पूरा स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की फार साइड के ऊपर घूम रहा था, और इसी घटना से दुनिया समझ गई कि चांद के दूसरे छोर में ऐसा कुछ तो है जो या तो हमें वहां उतरने से रोक रहा है या तो हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है।
यही सेम चीज 1969 में भी हुई और यही सेम चीज 50 साल बाद 2019 में भी हुई कि जब चंद्रमा के उस दूसरे छोर पर उतरकर वहां के रहस्य के बारे में पता चलने ही वाला था कि उसी वक्त सभी स्रोतों का संपर्क चंद्रयान 2 से टूट गया और तब से सब लोग इस घटना को लेकर अपने अपने अनुमान देने लगे। लेकिन अनुमानों के बावजूद सालों तक इसके पीछे की सच्चाई किसी को भी पता नहीं चल पाई। इस घटना के गुमनाम होने की एक वजह यह भी थी कि अपोलो 10 के बाद अपोलो 11 मिशन के दौरान जब इंसानों ने पहली बार चांद पर कदम रखा तो उसकी खुशी में सब इतने मग्न हो गए कि समय के साथ साथ इस रहस्यमयी घटना पर किसी ने भी गौर नहीं किया। वैसे क्या आपको पता है कि जब अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर लैंडिंग कर रहा था तो उस वक्त उनमें से किसी एक एस्ट्रोनॉट से स्पेसक्राफ्ट में लगी एक ऐसी बटन टूट गई थी जिसकी मदद से वो स्पेसक्राफ्ट को इग्नाइट करके वापस ऑर्बिट में जा सकते थे और धरती पर लौट सकते थे। अब इस बटन के टूटे रहने का मतलब यह था कि अगर वह बटन जल्द से जल्द वापस ना मिली तो वो सब हमेशा हमेशा के लिए चांद पर ही फंसकर रह जाएंगे और इग्निशन के ना होने के कारण वो कभी भी वापस नहीं लौट पाते। लेकिन उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स में से एक एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा बुक रीडिंग किया करते थे जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे और कई कठिन फैसलों को चुटकियों में ले लिया करते थे। बस अपनी इसी प्रवृत्ति से उन्होंने क्या किया कि वह जो पेन अपने साथ नोट्स बनाने के लिए लेकर आए थे उसी पेन को उन्होंने उस टूटी हुई बटन की जगह पर फिट कर दिया। अब चूंकि वो पेन प्लास्टिक का था जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दौड़ पा रही थी और बज एल्ड्रिन ने अपनी सी समझदारी से ना सिर्फ अपनी पूरी टीम की जान बचाई बल्कि पूरी दुनिया को मानवता पर गर्व करने का एक मौका भी दे दिया। ऐसी और ना जाने कितनी सीख की बातें हैं जो आप अपोलो 11 मिशन से सीख सकते हो और ऐसे और भी कई सारे राज मैंने जाने रिचर्ड वाइजमैन द्वारा लिखी गई इस बुक शूट फॉर द मून से। अब मैं जानता हूं कि आप लोगों के पास किताबें पढ़ने का अगर इतना ही समय होता तो क्या ही बात थी, पर अब वो दिन चले गए जब आपको किसी किताब की अच्छी बातों को पढ़ने और समझने के लिए घंटों बिताने पड़ते थे और उन बोरिंग पेजेस में से होकर गुजरना पड़ता था। बल्कि आज के जमाने में तो ऑडियो बुक्स का इतना प्रचलन हो गया है कि लोग बड़ी बड़ी किताब खरीदने से अच्छा ऑडियो बुक्स पर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने भी इस बुक को पूरी तरह पढ़ा नहीं है बल्कि इसकी शॉर्ट समरी सुनी है एक मजेदार ऐप से जिसका नाम है कुकू एफएम। इस ऐप में आप बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, नोवेल्स और ड्रामा जैसी कैटेगरीज के सैकड़ों किताबें सुन सकते हैं और इससे आपका घंटों का समय भी बच सकता है। आप कोई भी काम करते वक्त कुकू एफएम को सुन सकते हो। अब चूंकि किसी बुक को पढ़ते वक्त अक्सर काफी लोगों को नींद आ जाती है, पर ऑडियो बुक्स को आप कभी भी सुन सकते हो। अब ऑडियो बुक्स के लिए कुकू एफएम बेस्ट ऐप इसीलिए है क्योंकि पहली बात तो ये कि ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसका एनुअल सब्सक्रिप्शन केवल 399 रुपए है। मतलब 399 रुपए में आपको एक सिंगल बुक नहीं कि पूरी लाइब्रेरी मिल रही है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि इस दिवाली टीम अंतरिक्ष टीवी टीम कुकू एफएम के साथ पार्टनरशिप करके आपके लिए 50% डिस्काउंट लाया था। हाँ, मुझे पता है कि आप में से काफी लोगों से ये मिस हो गया होगा, पर टेंशन नॉट, हम है ना, आज हम आपको फिर से 50% का डिस्काउंट देंगे। अगर आप मेरे कूपन कोड ANT50 को यूज करोगे तो आप में से फर्स्ट 500 यूजर्स को ये सब्सक्रिप्शन 399 नहीं बल्कि केवल और केवल 199 रुपए में मिलेगा, वो भी एक साल के लिए। तो गाइज, अगर आप भी मेरी तरह क्यूरियस हो और नॉलेज को गेन करना चाहते हो तो बिना अलग से टाइम गवाए यही मौका है कुकू एफएम पे जाने का। इस ऐप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना, कुकू एफएम को डाउनलोड करना और मेरा कूपन कोड ANT50 यूज करना 50% डिस्काउंट के लिए। पर चांद की दूसरी ओर उतरने की यह जंग खत्म की चाइना के मशहूर रोवर चैंगी 4 ने। चाइना के चैंगी 4 मिशन के बाद हमें चांद के दूसरे छोर को लेकर काफी हैरतअंगेज बातें पता चली। जैसे जहां एक तरफ मून की नियर साइड में काफी सपाट इलाका है तो वहीं दूसरी ओर फार साइड ऑफ द मून में इतने क्रेटर्स है कि वहां पर रोवर के लैंड करने के लिए पर्याप्त जगह का मिलना भी एक बड़ी समस्या बन गई थी। इसके अलावा चांद के दूसरे छोर में अकेले 40 फीट तक की मोटी डस्ट की परत जमी हुई है और हमें ये भी पता चला कि चांद का फार साइड का टेम्परेचर जितना सोचा गया था उससे काफी ज्यादा ठंडा था। हालांकि फिर भी दुनिया की अलग अलग स्पेस एजेंसीज ये क्लेम करती है कि चाइना उनके साथ मून के दूसरे छोर को लेकर ज्यादा डेटा शेयर नहीं कर रहा, जिस कारण से लोग चंद्रयान 2 को लेकर बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन अफसोस, उनकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई और आगे की परिस्थितियों से तो आप वाकिफ ही होंगे। लेकिन 100 बात की एक बात आपको यहाँ पर यह जान लेनी चाहिए कि जितने भी लोग ये दावा करते हैं कि चांद के दूसरे छोर पर किसी एलियन सभ्यता का राज है तो ये सारी बातें केवल अफवाह और बकवास है।
क्योंकि जनवरी 2019 से लेकर आज की तारीख तक अभी तक ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें यह कहा गया हो कि चांद के दूसरे छोर पर कोई एलियन बेस मिला है या फिर एलियन सिविलाइजेशन का कोई और सबूत मिले हैं। पर इन सब के बावजूद इस बात को कोई भी नहीं टाल सकता कि अपोलो 10 पर वह रहस्यमयी सिग्नल उन सबको सुनने को मिले थे और वैज्ञानिकों को दुर्भाग्यवश आज भी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अब सवाल यह आता है कि क्या हमसे ही ढूंढने में कोई कमी रह गई या फिर चाइना अभी भी हमसे कुछ छुपा रहा है जिससे पूरी मानव सभ्यता की बुनियाद हिल सकती है। इन रहस्यमयी सिग्नल्स के बारे में वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे थे कि तभी नासा ने ऐसे सेम सिग्नल्स सौरमंडल के एक दूसरे हिस्से से भी कैप्चर किए। नासा का कैसिनी मिशन जब शनि ग्रह के करीब गया था तब उसे सैटर्न से भी सेम सिग्नल्स मिल रहे थे जो अपोलो 10 को मून के फार साइड से मिले थे, लेकिन शनि ग्रह से जो रेडियो वेव्स आ रहे थे उसके पीछे का कारण तो हमें पता चल गया था। दरअसल ये नेचुरल रेडियो वेव्स थे जिन्हें सैटर्न किलोमेट्रिक रेडिएशन और SKR कहा जाता है, और इन रेडियो वेव्स के पीछे का कारण सैटर्न के मैग्नेटिक एनवायरनमेंट से चार्ज्ड पार्टिकल्स का गुजरना था। बट हमारे चांद के केस में जो अनयूजुअल रेडियो वेव्स फार साइड वाले एरिया से रिकॉर्ड किया गया था वो इसी सेम रीजन से तो नहीं आ सकते थे, क्योंकि ना तो हमारे चांद के पास कोई एटमोसफेयर है और ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसके बाद नासा के वैज्ञानिकों ने इसके एक्सप्लेनेशन के लिए एक और थियरी दी कि शायद ये कोई रेडियो इंटरफेरेंस के कारण हमें रिसीव हुआ होगा, लेकिन अपोलो 10 के एस्ट्रोनॉट्स इस थियरी को सपोर्ट नहीं करते थे और इन रेडियो वेव्स का सोर्स आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। चांद के फार साइड में ऐसे ही कई राज छिपे हुए हैं जिन्हें हम आज भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और इसी कारण हमें उस हिस्से को एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि हम हमारी इस दुनिया को और भी बेहतर तरीके से जान सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और जाना होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप भी मेरी तरह क्यूरियस हो और अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो कुकू FM ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।